सकते हैं। तो ये है सहजन का पत्ता, आप लोग इसको बताइए कमेंट करके, हम लोग सहजन बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं। और आज मैं इससे पराठे बनाऊंगी, तो ब्लॉग पे बने रहिएगा, देखिए आपको दिखाते हैं कैसे इसका पराठा बनता है। एक एक पत्ती इससे निकालने, जैसे कि इसमें देख सकते हैं मैं एक एक पत्ती को निकाल रही हूँ सारे, इसी तरह सारे पत्ते को निकाल के फिर इसको बारीकी से काटना है, उसके बाद आगे का प्रोसेस आगे ब्लॉग पे बने रहे, दिखाती हूँ। वो सहजन का पत्ता को काट, इसमें प्याज भी मैं अंदर रखती हूँ काट के, और कच्चा मिर्च भी, लहसुन का बारीक, और अब इसमें जाएगा आटे में, फिर बेसन इसमें डालता है, लेकिन मुझे बेसन पसंद नहीं, इस वजह से मैं नहीं डाली हूँ, आप लोग डाल सकते हो। इसमें जाएगा गरम मसाला, धनिया का पत्ता है तो वो डालो, नहीं होता पाउडर डाल सकते हैं, जीरा पाउडर और अजवाइन, इसमें सारा कुछ, थोड़ा सा मंगरेला इसमें दे दिए हैं, लहसुन बारीकी कटा हुआ, और इसमें जाएगा थोड़ा सा खाने वाला ऑयल, चार चम्मच, मेरा छोटा चम्मच है तो ऑयल दूंगी मैं इसमें, जो आप सब्जी में इस्तेमाल करते हैं वही ऑयल लीजिए। और अब इसको थोड़ा मिक्स कर लेना है, और इसमें एक चम्मच हल्दी भी डालना है, और ये सारे इसमें डाल के मिक्स करना है, और स्वाद अनुसार नमक भी डालना है, ये मेरा स्वाद अनुसार, आप लोग को जैसे अंदाज़ा मिले, मुझे हाथ से ही अंदाज़ा मिलती है। इसमें नमक, अब इसको इसमें डाल देना है सारे को, इसमें अनियन भी है, सहजन का पत्ता है, सब कुछ देख सकते हैं, इसमें कच्चा प्याज भी मैं पहले ही इसमें काट के मिक्स करके रख ली थी, देखो प्याज दिखेगा, और कच्चा मिर्च भी, अब इसको सारा को मिक्स करके इसको गूंथ लेना है। ये मेरा आटा गूंथ कहा के रेडी हो गया, और ये मैं इस तरह का डोई बना ली हूँ, अब इसको बेल के सेकना है, ये बना के इसको बेलते जाना है। और मैं तवे पे देती हूँ, मेरा तवा गर्म हो चुका है, ये मेरा तवा गर्म है, इस पर मैं दे दी, अंदर में थोड़ा सा ऑयल दे दी थी, और ये मेरा पराठा बन के रेडी है, ये टेस्टी और हेल्दी दोनों है, बहुत ही हेल्दी होता है खाने में, एक हफ्ते में एक बार कम से कम खाना चाहिए इसको। ये बहुत ही सॉफ्ट बना, भी मैं अपने हस्बैंड को खाने दूंगी, और ये मैं दो रोटियां दी, और मैं थोड़ा सा तोड़ के कैसा टेस्ट है वो बताती हूँ, कैसा टेस्ट लगा बताओ, बहुत सुंदर टेस्टी है, मेरा तो मन कर रहा पहले बनाने छोड़ के खा लूँ, बहुत ही टेस्टी है। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ, बाय बाय, इसको टमाटर सॉस के साथ या चिली सॉस कुछ के साथ खा सकते, बाय बाय।